वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब लाहौर का चैनल है, लाहौर की बात करेंगे, लाहौर की खूबसूरती की बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद जिशानुल हसन, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वॉल सिटी लाहौर और ब्यूटी ऑफ लाहौर। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन इनसे बात करने से पहले जनाब लाहौर के दरवाजों के हवाले से एक पैकेज है। सूबा पंजाब में वाक़े लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान के कदीम शहर के तौर पर भी काबिले एहतराम है। सल्तनत लाहौर शुरू से ही कई हमला आवरों का निशाना बनी रही है और फिर इसे कई हुक्मरानों ने तरक्की दी। किसी ने भी शहर की तामीर और तरक्की में इस तरह हिस्सा अदा नहीं किया जिस तरह मुगलों ने इस तारीखी खित्ते जमीन की दरो दीवार तामीर की। इस दरो दीवार के बीच वकूफ पजीर ये शहर लाहौर कहलाता है। इस शहर में दाखिल होने के लिए 13 दरवाजे हैं। यहाँ के रिहायशी इसे अंदरून शहर भी कहते हैं। लाहौर के 13 दरवाजों के नाम ये हैं: दिल्ली दरवाजा, अकबरी दरवाजा, मोची दरवाजा, शाह आलमी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, मोरी दरवाजा, भाटी दरवाजा, टकसाली दरवाजा, रोशनाई दरवाजा, मस्ती दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, शेरांवाला दरवाजा और यक्की दरवाजा। इनमें से 6 दरवाजे यानी भाटी, देहली, कश्मीरी, लाहौरी, रोशनाई और शेरांवाला सलामत हैं। बाकी 7 दरवाजे बिल्कुल तबाह हो गए और दोबारा नहीं बनाए गए। सदियां बीत गईं, नित नए रिहायशी और तामीराती मंसूबों के बायस लाहौर शहर तवील से तवील तर तो होता रहा है, मगर इसके कदीमी सकाफती विरसे को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा है और मुसलसल नजरअंदाज किए जाने के बायस इस सकाफती विरसे को न सिर्फ कुदरती आफात से खतरा है बल्कि इसके साथ साथ लोगों की अदम दिलचस्पी भी कदीमी सकाफत को भुलाने का बाइस बन रही है। जो कौमें तारीख को फरामोश कर देती हैं, तारीख भी उनको फरामोश कर देती। बेशक लाहौर बहुत खूबसूरत है और हमें इस खूबसूरती को बचाना है। हमारे साथ सैयद जिशानुल हसन मौजूद हैं। जिशान, हमने अभी ये पैकेज भी देखा और वॉल सिटी के हवाले से बात की जाए, इसकी खूबसूरती के हवाले से बात की जाए, तो कुछ तफसीलात आपके पास भी होंगे, हम चाहेंगे आप उनसे। एग्जैक्टली ये 2012 में हमारी वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का क्याम अमल में आया और बेसिकली प्राइमरीली ये एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रोजेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाहौर के हवाले से, और उन्होंने एक बाकायदा इनिशिएटिव लिया। उसके बाद एक एक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया जिसके तहत ये अथॉरिटी वजूद में आई। आज इसको लगभग 6 साल और कमोबेश इस तरह से हो चुके हैं, और इस हवाले से हम देखते हैं कि दिल्ली गेट के अंदर हमने इनिशियली बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें आपको पता है शाही हमाम, उसके साथ साथ वज़ीर ख़ान मस्जिद के हवाले से काम किया, और अब मज़ीद वो आगे भी बढ़ रहा है और मज़ीद जगहों को भी हम कैटर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अच्छा, अंदरून लाहौर की तारीख की बात की जाए तो किस दौर की, जो दौरे कदीम की उससे तारीख से मिलती है? जी, ये बहुत खूबसूरत सवाल है वाकई, और नाज़रीन के लिए, व्यूअर्स के लिए शेयरेबल है। बहुत ज़्यादा बच्चों को मालूम ही नहीं है, यंगर जनरेशन को खुसूसन। ये सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो 5000 साल कबल मसीह तक भी चला जाता है, यानी आज जब हम आप बात करें तो 7000 साल की इसकी तकरीबन हिस्ट्री बन जाती है। जो आपने रामचंद्र का नाम सुना होगा, अक्सर हम लोग जो है वो हमसाया मुल्क के ये करेक्टर्स हैं, तो उनके बेटे लोह जो हैं, एक लोह थे और एक कस्सू, लोह के नाम से लाहौर शहर लोहपुर या लोहकोट कहलाया, और उसके बाद कस्सू के नाम से कसूर शहर जो है उर्फ आम में वो बाद हज़ा उसका नाम पड़ा। तो ये दोनों जुड़वा भाई थे, और बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री के ये किस तरह एक जो है वो सीता माता के बारे में लोग मतलब सीता कहते हैं, तो सीता लंका चली गई और रावण ले गया उनको, और जब वो वापस आई तो एक उनके साथ जो है वो उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजारना पड़ा कि जी आप अग्नि परीक्षा से गुजरे, इम्तिहान दें।
तो उस इम्तिहान के बाद जो देवर था उनका लक्ष्मण, वो उनको लेके लाहौर की तरफ आ गया। और यहाँ पर एक वाल्मीकि शायर था जो दरियाए रावी के किनारे, इरावती, दरियाए इरावती के किनारे, उसने उनके बच्चों को पना दी अपने आश्रम में जो लो और कस्सू बने। लो और कस्सू को, चूंकि वो एक शायर था, तो वो जो उसे किस्से सीता सुनाती रहती थी, सीता उसके भगवान की बीवी थी, धर्मपत्नी, तो वो किस्से जो है वो शायरी की शक्ल में लिखता था, उसे रामायण कहा गया। तो ये भी लाहौर के साथ एक कनेक्टिविटी है, लोहपुर। और आप देखें, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मैं आज आशनाई देने के लिए यहाँ पर बकायदा, हम तो तबलीगी समझते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, कि पुर जो लफ्ज़ है ये ट्रेवल करता है टिल आप सिंगापुर, जो जिसे कहते हैं, वो वर्ड भी बहुत पुराना है और ये हिंदी संस्कृत का लफ्ज़ और आर्याई लैंग्वेजेस में से है। तो इट इज सो मच ओल्ड सिटी के वन कैन रिलेट इट टू द हिंदू एरा। अच्छा, हम वर्ल्ड सिटी की बात करें, लाहौर की बात करें, लाहौर बेशक बहुत खूबसूरत है, अंदरून लाहौर जिसको हम कहते हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है जो बहुत यूनिक भी है, जो मुख्तलिफ एक कह लें डिपिक्ट भी करता है मुख्तलिफ कल्चर्स को, मुख्तलिफ एक आर्किटेक्चर वाली जो स्कीम होती है। क्या लगता है कि हम उसको दोबारा से रिस्टोर तो नहीं, डेफिनेटली हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो अपनी कंडीशन में है, लेकिन क्या इकदाम किए गए हैं वर्ल्ड सिटी की जानिब? जी, वर्ल्ड सिटी ने जो इकदाम किए हैं वो प्राइमरीली, उसकी मिसाल हमें शाही इमाम में बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। देन आफ्टर हमने वज़ीर ख़ान चौक में जिस तरह से एक आगा खान कल्चर फॉर ट्रस्ट के साथ मिलकर उन्होंने बहुत ही जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का काम, यानी आप शाहकार भी कह सकते हैं कि उसके वो जो 400 साल पहले का जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था वो हमने एक्सप्लोर करके उसको कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए वक्फ कर दिया। और वहाँ पिछले 6-7-8 माह से जो है वो कवालियों का एक कॉन्टीन्यूस सिलसिला जारी है सारी, तो वो बड़ा देखने लायक है कि ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था और शहर कितना ऊपर आ गया। इसी तर्ज पर लाहौर में, अंदरून लाहौर में बहुत सारी नीवी मस्जिद, आपका अगर जाना हो लाहौर लोहारी गेट के पास, तो वो 25 फीट नीचे है और वो प्री मुगल एरा की मस्जिद है, यानी इस कदर पुरानी चीज़ें भी 25 फीट नीचे, यानी उस टाइम 25 फीट नीचे का लाहौर जो है वो हमें देख सकते हैं। तुगलक दौर, थ्रू रिसर्च पता चला है कि तुगलक दौर ये 1300 समथिंग बनता है। फिर कूचा पीर शिराजी, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक पीर शिराजी आज से 800 साल पहले जो है वो तुगलक दौर के अंदर जो है तशरीफ़ लाए, और ये एक अपनी मिसाल आप है कि किस तरह औलियाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और जगह जगह आपको श्राइन्स मिलेंगी, वो पुराने जो है वो मैनुस्क्रिप्ट्स मिलेंगे, कुछ आपको ऐसी जो है वो प्लेक्स मिलेंगी, हिस्ट्री प्लेक्स मिलेंगी, जो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आर्किटेक्चर में तो शाहकार है और मैनी ईयर्स टू गो, बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है स्टिल। और मैं तो समझता हूँ जंगी बुनियादों पर काम हम कर रहे हैं और मजीद भी करने। अच्छा, कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से कि लाहौर की हिफाजत, अंदरून लाहौर की हिफाजत एज ए शहरी क्या जिम्मेदारी है हम सब की, वॉल सिटी तो अपना काम? मेरे ख्याल से जब हम जाते हैं दुनिया के तूलो अर्ज़ में, तो दुनिया के तूलो अर्ज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है हेरिटेज को, बहुत ज़्यादा वो लोग कवरेज देते हैं, बहुत माइलेज देते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। तो हम लोगों को भी हेरिटेज को माइलेज देनी होगी, वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट से इजतनाब करना होगा, कमर्शलाइजेशन से इजतनाब, जो कि हमारे पॉलिसी भी है वो हम करवा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। और ऑनरशिप लेनी होगी, सबको इसकी मलकियत देनी होगी कि ये हमारा शहर है, सबसे प्यारा शहर है। मेरे ख्याल से आखिर में मैं कुछ एक अहम बात जो आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से, और बहुत शुक्रिया भी कि आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी, बुलाया इस प्रोग्राम में। एक तालिब आमली बहुत मशहूर शायर हुआ दौरे जहांगीरी का, और शहनशाह जहांगीर के बारे में एक दुनिया आलम जो है वो जानती है, वो लाहौर के बारे में आज से 400 साल पहले जिन ख्यालात का इजहार करता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फ़ारसी में चुके हैं। खुशा लाहौर व फैज़ आब लाहौर, बेताब मेले शेख व शाब लाहौर, गुमानम नीस्त अंदर हाफ्त कीश्वर, बवत शहरी बे आब ताब लाहौर। मेरा ख्याल नहीं है कि 7 मुल्कों में भी कोई शहर आपको ऐसा मिले जिसकी आबोताब लाहौर शहर जैसी हो। ये इस तरह का शहर है हमारा जिसके बारे में 400 साल पहले, 500 साल पहले नूर जहाँ, मलका तरन्नुम नूर जहाँ की बात नहीं कर रहा, जो शहनशाह जहांगीर है उसकी बेगम नूर जहाँ ने क्या खूब लिखा कि लाहौर रा बेजान बराबर खरीदें, जान दादें मो जन्नत दीगर खरीदें, लाहौर को हमने जान के बदले में खरीदा, जान दे चुके तो फिर ये जन्नत मिली। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे पास टैलेंट भी होगा जिससे आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।